नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं अमरोहा की ओर, जहां किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों के विरोध में जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों का विरोध करने के लिए शुक्रवार की सुबह अमरोहा सदर विधायक महबूब अली, सपा के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर, मौलाना जावेद आबदी और सपा जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने विराट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम उमेश मिश्रा को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और सारी नीतियां कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाई जा रही हैं। अमरोहा से ओवैस खान के साथ जावेद आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। कई बार सुना, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं कि ये वो सीधा स्पष्ट बताने में असमर्थ रह चाहिए कि प्राइवेट को न्यूनतम मूल्य है, उससे किसी भी कीमत पर कोई भी व्यापारी प्राइवेट नहीं। सरकार की बात तो करते हैं कि सरकार जब खरीदी ही नहीं तो न्यूनतम मूल्य की बात कहाँ से। इसलिए आज प्रदेश के सामने बड़ी ऐसी दैवीय स्थिति इस वक्त है कि महामारी के वक्त में रोड पर निकल कर पूरा प्रदेश देश आज रोड पर निकल कर उसका विरोध कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ज्ञापन था। प्रदेश में लगा उतार हो रहे अत्याचार और समाज के हर तबके के साथ जो बर्बादता और सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है, जो रोजगार हो किसान को, आज किसान की फसलों से संबंधित पीछे के लेकर लगातार सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रास्ते। प्रधानमंत्री जी की जो अभी भाषण हमने कई बार सुना, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं कि ये वो सीधा स्पष्ट बताने में असमर्थ रह चाहिए कि प्राइवेट को न्यूनतम मूल्य है, उससे किसी भी कीमत पर कोई भी व्यापारी प्राइवेट नहीं। सरकार की बात तो करते हैं कि सरकार जब खरीदी ही नहीं तो न्यूनतम मूल्य की बात कहाँ से। इसलिए आज प्रदेश के सामने बड़ी ऐसी दैवीय स्थिति इस वक्त है कि महामारी के वक्त में रोड पर निकल कर पूरा प्रदेश देश आज रोड पर निकल कर उसका विरोध कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मंत्री केशव प्रसाद।